हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक दिस इज़ दार्ट थ्री ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन एम सी क्यू ये क्लास नाइन्थ का है जोग्राफी का और मैंने पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी पब्लिश कर रहे हैं आपको अगर पसंद आए होंगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए क्योंकि उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती है मैं आपके लिए और कंटेंट्स बनाऊँ शुरू करते हैं लास्ट पार्ट पार्ट थ्री विच ऑफ दीज कंट्रीज इज लोकेट टूवर्ड द ईस्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल और चाइना तो बच्चों हमें पता है श्रीलंका तो नीचे है यानी कि साउथ में नेपाल ऊपर है यानी कि नॉर्थ साइड में है चाइना थोड़ा और ज्यादा ईस्ट में है लेकिन कंट्री जो सबसे ईस्ट में हमारे दिखती है वो है बांग्लादेश विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आईलैंड बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरी लाइज इन द अरेबियन सी अंडमान निकोबर आइलैंड लक्षद्वीप श्रीलंका और मालदीव्स तो बच्चों इसमें से कौन सा ऐसा आइलैंड है जो अरेबियन सी में है तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लक्षद्वीप लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया त्रिपुरा गोवा उत्तरांचल और सिक्किम तो बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा गोवा जो है वो इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है तो गोवा

बास स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट और कुक स्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर बच्चों पार्क स्ट्रेट है बुक में दिखाता हूं मैं आपको कहां लिखा हुआ ये तो बच्चों इफ यू सी श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है हमारा सही जवाब है पाक स्ट्रेट करेक्ट आंसर विजन पाक स्ट्रेट Which country among the India's इंडियाज is the smallest? Bhutan, Sri Lanka, Nepal or Bangladesh? तो so, बच्चों इसका जो सही जवाब है इन सभी कंट्रीज में सबसे छोटी जो कंट्री है साइज के हिसाब से वो है भूटान तो so, बच्चों नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया ऑप्शंस आपके पास हैं ए डिग्री फोर ईस्ट थर्टी सेवन डिग्री सिक्स ईस्ट ए डिग्री फोर नॉर्थ थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ सिक्सटी एट डिग्री सेवन ईस्ट और नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव वेस्ट एंड सिक्सटी एट डिग्री सेवन नॉर्थ एंड नाइन्टी सेवन ट्वेंटी फाइव ईस्ट इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है सिक्सटी एट डिग्री सेवन नॉर्थ एंड नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव ईस्ट वट इज द पोजिशन ऑफ इंडिया इन दर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया तो मतलब इंडिया का जो एरिया है अगर हम वो वर्ल्ड में देखते हैं तो वो कौन से नंबर पर आता है एट्थ पोजिशन सिक्स पोजिशन सेकेंड पोजिशन और सेवेंथ पोजिशन बच्चों इसका सही जवाब है इंडिया कम्स एट द सेवेंथ पोजिशन विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड एटी टू डिग्री थर्टी ईस्ट 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री सिक्स नॉर्थ और एट डिग्री फोर साउथ तो बच्चों इसका सही जवाब है एट डिग्री फोर नॉर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन थ्री सीज इनमें से कौन सी ऐसी जगह है कि जो तीन समुद्रों से लोकेशन उसकी मैच करती है पोर्ट ब्लेयर कन्याकुमारी कोची और ऑल ऑफ दी अबव तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है कन्याकुमारी है ऐसी जगह कन्याकुमारी विच मेरिडियन इज फिक्स एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.30 ईस्ट 81, 86 और 84.30 ईस्ट तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एमसीक्यू में स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली टाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये पास करती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से और इसका जो फिक्स किया है वो है 82.30 टू ईस्ट बुक में चेक करें बच्चों इफ यू सी टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री सो करेक्ट आंसर इज 82.30 ईस्ट विच ऑफ दीज गॉड सबमर्ज इन द सी वॉटर इन भावनगर भुज इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना क्योंकि यू विल गेट कि इसमें क्या जवाब दें सही जवाब इसका इंदिरा पॉइंट है बुक में मैं आपको दिखाता हूं ये कहाँ पे लिखा हुआ है तो बेटो आप देखोगे द साउद मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्स्ड अंडर द सी वॉटर इन टू ड्यूरिंग द सुनामी तो आपके वो ऐसा भी आ सकता है कि मोस्ट पॉइंट ऑफ़ इंडियन यूनियन क्या है तो उसका आंसर भी इंदिरा पॉइंट है और सबमर्ज क्या हो गया था वो भी इंदिरा पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एयर रूट ओशन रूट्स मैरीटाइम कॉन्टैक्ट और लैंड रूट तो बच्चों क्वेश्चन है कि सबसे पुराना कौन सा ऐसा जरिया था जो इंडिया बाकी कंट्रीज से जाने के लिए यूज करता था या कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज करता था तो बड़ा ईजी है ये भी क्योंकि हवाई जहाज पहले नहीं चलते थे इतनी शिप्स भी नहीं चलती थी तो लैंड रूट्स थे डेट वॉर दी ओल्डेस्ट लैंड रूट्स विच जोग्राफिकल फीचर बाउंड इंडिया मेन लैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड सैंडी डेजर्ट्स लावा प्लेट्यूज सीज एंड ओशन और यंग फोल्ड माउंटेन्स तो बच्चों साउथ में जो हमारा इंडिया का मेन लैंड है वहाँ पे सीज और ओशन यानी कि इस, आपको पता है अरेबियन सी और ये सारी सीज हैं उस साइड और नॉर्थ साइड में है हमारे हिमालय या, या यंग फोल्ड माउंटेन्स तो अगर ये आएगा इसका आंसर है सीज एंड ओशन और अगर ये साउथ की जगह नॉर्थ होगा तो आएगा यंग फोल्ड माउंटेंस और बच्चों दिस इज द लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट आई होप यू हैव एंजॉयड एज मच एज आई हैव एंजॉयड मेकिंग एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे विच ऑफ़ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडिन ऑफ फॉर इंडिया ये हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले ये अलग टाइप के तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है कि स्टैंडर्ड मेरिडिन कौन सा है मैंने आपको कहा था आ सकता है तो इसका हमें पता है बड़ा इजी जवाब है 82.30 ईस्ट जो कि मिर्ज़ापुर से पास होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है और उससे हमारा स्टैंडर्ड टाइम भी डिसाइड किया जाता है तो बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम इन लाइफ कीप वाचिंग कीप शेयरिंग